हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोवेव ओवन और इसके जो है अलग अलग मोड्स के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास है सैमसंग का कन्वेक्शन माइक्रोवेव जो कि 28 लीटर का है। इसमें अलग अलग जो है साइजेज आते हैं और साइज़ जो है मेजर होती है लीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है तीन तरीके के माइक्रोवेव आते हैं, तो सोलो माइक्रोवेव जिसके अंदर खाली माइक्रोवेव होता है, उसके अलावा एक आता है OTG जिसके अंदर जो है ओवन, टोस्टर और ग्रिलिंग होता है, और एक आता है कन्वेक्शन माइक्रोवेव जिसके अंदर जो है आपका मतलब बेकिंग भी होता है, मतलब ओवन फैसिलिटी है उसके अंदर जो है, आप ग्रिलिंग भी कर सकते हैं, ग्रिल का भी एक अलग से रोड आता है और माइक्रोवेव तो कर ही सकते हैं। तो तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम कहाँ से पता लगा सकते हैं? तो पहली तो उसकी यूजेबिलिटी क्या है उसके बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि इसका यूज़ क्या है। तो जैसे कि आपको जो है कुछ भी रोस्ट करना है, जैसे कि मूंगफली हो गया या तो फिर आप जो है काजू बादाम उसको रोस्ट करना चाहते हैं, फिर आप किसी चीज़ को सुखाना चाहते हैं जैसे कि तुलसी के पान हो गए या तो फिर फुदीनी के पान हो गए, सुखाना चाहते हैं, ब्रेड क्रम्स बनाना चाहते हैं, या तो फिर आप पानी गर्म करना चाहते हैं, चाय गर्म करना चाहते हैं, मैगी बनाना चाहते हैं, चावल पकाना चाहते हैं, मतलब आलू उबालना चाहते हैं, कुछ भी इस तरीके का काम करना है। उसके अलावा आप ढोकला है, इडली है, उसको बनाना चाहते हैं, सब्जी बनाना चाहते हैं, तड़का लगाना चाहते हैं, तो ऐसी सब चीज़ें जो है माइक्रोवेव के अंदर होती है। तो उसके लिए जो है ये मतलब इसके अंदर आप रख सकते हैं और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो है माइक्रोवेव की वो चलती है और उससे जो है चीज़ें गर्म होती है। दूसरा जो मोड है वो है ओवन या तो कन्वेक्शन या तो बेकिंग का मोड जो होता है। तो इसके अंदर जो है ये माइक्रोवेव के अंदर ये जो पीछे की जाली आपको दिख रही है, यहाँ पे पीछे जो है पूरे रोड्स लगे हैं और ये बीच में जो है वो एक फ़ैन है। तो ये रोड जो है, जब आप कन्वेक्शन मोड जो है यहाँ पे आपको कन्वेक्शन मोड जो दिख जाएगा, ये रहा कन्वेक्शन मोड, ग्रिल मोड और माइक्रोवेव मोड और ये कॉम्बी है, तो ये कॉम्बिनेशन में चलता है, उसकी भी यूजेबिलिटी मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो कन्वेक्शन मोड पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है इस पे रोड जो है पीछे का वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और बीच का फैन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो है कन्वेक्शन मोड जो होता है उसके अंदर सेंटीग्रेड और मिनट का कॉम्बिनेशन में चलता है कि भाई 180 डिग्री हम एक मिनट या तो 5 मिनट तक रखते हैं और चीज़ जो है वो बेक हो जाएगी। तो जबकि आपका जो माइक्रोवेव मोड है उसके अंदर जो है आपको आपका पावर होता है, उतने पावर पे माइक्रोवेव चलता है, 5 मिनट 10 मिनट जितनी मिनट तक आपको चलाना है उसके हिसाब से। और बाकी जो है ग्रिल है ये ऊपर, तो उसमें खाली टाइम ही सेट करना होता है, तो उसमें कोई पावर या तो फिर मतलब सेंटीग्रेड ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम कनेक्शन मोड दबाते हैं तो ये 180 डिग्री आ गया, उसको आप 200 डिग्री तक मैक्सिमम है, बाकी 40 डिग्री। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको टाइम डालना है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमको कितनी मिनट तक जो है चलाना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और बाकी स्टार्ट दबा दें। और अगर हम माइक्रोवेव दबाते हैं तो इसमें पहले पावर पूछता है कि कितने पावर पे आपको माइक्रोवेव चलाना है। तो आपने कई बार जो है निशा मधुलिका या तो किसी भी कुकिंग चैनल पे सुना होगा कि हाई पावर पे रखना है, तो हाई पावर इसमें कितना है वो भी हम देख लेते हैं। माइक्रोवेव सेलेक्ट कर लिया, तो हाईएस्ट पावर जो है इसका ये 900 है, 900 वोट। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा वोट मतलब ज़्यादा पावर कंजप्शन होगा इसके अंदर और कोई भी चीज़ जो है फटाफट जो है कुक हो जाएगी। और ये जो है लोएस्ट है, ओके, इसके अंदर बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे हाई पावर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम टाइम डाल सकते हैं कि भाई 900 वोट के अंदर ये माइक्रोवेव चलाना है और कितने टाइम के लिए, तो 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आपको रखना है, और स्टार्ट दबा दें तो ये चालू हो जाएगा। और अभी हम ग्रिल को अगर करते हैं तो ग्रिल में खाली समय ही डालना है, कितने समय के लिए हमको ग्रिल चालू रखना है और बाकी जो है स्टार्ट दबा देना है। तो इसमें जो है ये तीन तरीके के मोड आते हैं बेसिकली, और उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको ये सभी मेन्यू मिल जाएंगे जो कि ये जो तीनों मोड है उसके कॉम्बिनेशन बना के मतलब ये सभी जो है ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और बाकी जो है स्टार्ट कर देना। तो इसमें क्या है कि इसका एक मैन्यूअल आता है, रेसिपी बुक आती है, तो कितने कितने वज़न की चीज़ें हैं, कितने ग्राम का जो आपका खाना है उसके हिसाब से ये मेन्यू काम करता है। बट जनरली हम ये प्रीडिफाइंड जो है ऑप्शंस दिया है, मेन्यूज दिए हैं, उसके हिसाब से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारा खाना है उसका वज़न कितना है, और उसके बाद आप ये मेन्यू में से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और उसको जो है पका सकते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बन सकती है। तो
तो समोसा बन सकता है, कटलेट बन सकती है, ब्रेड पकौड़ा बन सकता है। आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें बन सकती है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बन सकती है। तो यहाँ पे कुछ मेन्यूज़ जो है उसमें माइक्रोवेव चलेगा, कुछ मेन्यूज़ जो है उसके अंदर जो है आपका कन्वेक्शन बोर्ड चलेगा, और कुछ मेन्यू ऐसे हैं जिसके अंदर आपका ग्रिल चलेगा। तो वो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से होता है, और मे बी कुछ में भी ऐसा भी होता होगा कि कॉम्बी में भी चलता हो। तो एक यहाँ पे आपको टिप दे देता हूँ, कॉम्बी जो ऑप्शन है उसके अंदर जो है माइक्रोवेव चलता है, तो आपको जो है माइक्रोवेव सेफ प्लस जो है ओवन सेफ जो आपके यूटेंसिल्स है उसको उस हिसाब से जो है यूज़ करना है। जैसे कि अगर आप मतलब दोनों केस के अंदर जो है आपको कॉम्बी के अंदर जो है आपको प्लास्टिक मटेरियल वाला कोई भी यूटेंसिल यूज़ नहीं करना है, साथ ही साथ आपको मेटल वाला भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दोनों के अंदर माइक्रोवेव है और दोनों के अंदर जो है एक के अंदर ग्रिल है, एक के अंदर जो है वो कन्वेक्शन मोड है। तो बेसिकली आपको कॉम्बी अगर आप यूज़ करें मेन्यू, तो उसके अंदर जो है आपको सिरामिक या तो ग्लास मटेरियल जो कि माइक्रोवेव सेफ है प्लस ओवन सेफ या तो हीट सेफ है, मतलब हीट रेजिस्टेंट है, उस टाइप का मटेरियल यूज़ करना है, अदरवाइज आप कॉम्बी को यूज़ ही ना करें। तो आई होप आपको ये बेसिक आइडिया आ गया है कि कौन सा ऑप्शन क्या करता है। तो और भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।